शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, फिर जो नशा हो तैयार वो प्यार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। इसी प्यारी मुस्कुराहट के साथ इधर मैं मुस्कुराता हूँ, इधर आप मुस्कुराइए और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग में होते हैं, मतलब वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक समय होता है हर चीज़ का, और बहुत से स्टूडेंट होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे लगे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं जो पहले पूछे जाते थे। तो दोस्तों, ये मैं कुछ आपके लिए 6 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी और साथ साथ में आप भी सॉल्व करिएगा। और ये वे क्वेश्चन है जो 2020 में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं एसएससी में हर एक दिन, मतलब क्योंकि एसएससी में क्या होता है, जैसे सीएचएसएल का एग्जाम है वो कई दिन चलता है, तो ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है कि x इज इक्वल टू 2 + √3, तो आपको फाइंड करना है x की पावर 3 माइनस x की पावर माइनस 3, और आंसर भी मैंने आपके सामने लिखा है 30√3। अब देखिए आएगा कैसे, सॉल्व करते हैं। देखिए, आप इस वीडियो को यहीं भी रोक सकते हैं और रोक के जो है एक बार आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कि आपने सही किया है कि नहीं। x की वैल्यू जो है वो 2 + √3 दी है, तो 1/x की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 - √3 हो जाएगी। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। हमेशा क्या होगा कि आप जैसे 2 लिखा है, ये 2 है, √3 है, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 3, तो आंसर आएगा 1। जब भी 1 आ जाए, दोनों का स्क्वायर करने के बाद जो डिफरेंस लोगे तो 1 आ जाए, तो डायरेक्ट लिख देना कि 1/x = 2 - √3, बस साइन बदल देना। उसके बाद देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि अगर x - 1/x की वैल्यू a है तो x^3 - 1/x^3 क्या होगा। तो ये जो फॉर्मूला होता है, a^3 होगा +3a। यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक है जी। तो अब देखिए, यहाँ पे माइनस पूछा है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये यही बात है कि x^3 - x^-3। अब ये -3 है, अब जब ये नीचे जाएगा तो ये 1/x^3 ही हो जाएगा, तो हमें यही तो चाहिए, हमें यही तो वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, x - 1/x, इसका मतलब हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस और ये साइन बदल जाएगा, इसका मतलब ये और ये तो कट जाएगा, तो x - 1/x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2√3 आएगी, ठीक है जी। अब आपको क्या चाहिए, अब ये फॉर्मूला लगा दो इसमें, तो क्या करना है, इसका क्यूब करना है, तो क्यूब करेंगे इसका, तो 2√3 का होल क्यूब + 3 × 2√3, इसका होल क्यूब करेंगे, 2 × 4 = 8, 8 + 3 = 24, तो ये आ जाएगा 24√3 + 3 × 6√3, तो आंसर दोनों का जोड़ोगे तो क्या आएगा, 30√3। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 30√3। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर लीजिएगा कहीं, भाई देखिए जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं ना उनको तो रट भी लो, उनमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो ही पेपर में आने, तो रट के जाओ ना भाई जब पेपर देने जा रहे हो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी जो है उसी काम को 10 दिन में कर देता है। उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उनसे कहा गया कि भैया तुम्हें हम कितने हजार रुपए देंगे, 35,000 रुपए देंगे, और उसमें से अब आप ए का हिस्सा बताइए, ए का शेयर क्या है, तो आंसर है 14,000 रुपए। देखते हैं कि कैसे आया, एक बार आप वीडियो को रोक के खुद भी सॉल्व करिएगा। देखिए, ए जो है 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा दोस्तों, 30 आएगा। अब यहां से इसकी क्षमता निकालने के लिए हमने लेट कर लिया है, ये लेट किया है कि जो टोटल वर्क है वो 30 होगा, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि वो 30 कुर्सी टोटल बनानी है, 15 दिन काम करेगा, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 2, तो यहाँ पे 3 बनाएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा
यहाँ पे क्या है कि ये दोनों काम तो 15 दिन और 10 दिन लेते हैं अलग अलग, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो दोनों को एक साथ दिया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो काम करेंगे ना ये इक्वल दिन में रहेंगे, मतलब वो चाहे काम ये चाहे कितनी भी कुर्सी बनाए, ये चाहे 2 बनाए या 3 बजाए 4 बनाए, लेकिन इनको अगर एक फिक्स टाइम दे दिया है कि ये टाइम फिक्स है, ये 10 दिन है, तुम्हें दोनों को 10 दिन में मिलकर ये कुर्सियाँ खत्म करनी है, तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसमें जो पैसा बढ़ता है वो क्षमता में बढ़ता है, मतलब एफिशिएंसी में बढ़ता है। तो दोस्तों 35,000 रुपये बांटने हैं, ठीक है, और दोनों की क्षमता है 35,000 रुपये, तो दोनों को मिलेंगे, इसका मतलब 3 और 2 5 नीचे रहेगा, और पूछा किसका है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए की क्षमता कितनी है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 7 = 35, तो 7,000 इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 14,000। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन एडवांस पोर्शन से है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए मैं एक छोटा सा आपको एक चीज़ बताता हूँ, कोई भी सर्किल होता है ना, अगर ये है कोण, और ये कोण अगर बाहर निकल जाए इससे तो ये बन जाती है सेकेंड, और अगर कोई ऐसी लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल जाए वो होती है टेंजेंट। तो यहाँ पर बात की गई है कोण के बारे में। ये कहता है कि भाई 2 कोण है, एक है ए बी, एक है सी डी, ठीक है जी, ए बी और सी डी। अब देखिए इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, नहीं तो बहुत ज्यादा जगह घेर लेता। क्वेश्चन ये है कि 2 कोण है ए बी और सी डी, ये जो दोनों कोण है ये एक दूसरे बाहर निकलती है, और ये बाहर निकलने के बाद कहां पे इंटरसेक्ट करती है, पी पे, ठीक है जी, कहां इंटरसेक्ट करती है, पी पे। और आपसे कहा है कि ए बी की जो वैल्यू है वो 6 है, सी डी की वैल्यू जो है, ये सी डी की वैल्यू है 3, और पी बी, ये पी बी की वैल्यू है 4, और आपसे पी और डी की वैल्यू पूछी है x। एक छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, सीधे क्या करना है आपको, दिस इंटू दिस, मतलब ये छोटा गुणा फिर ये पूरी लंबाई, तो छोटा गुणा पूरी लंबाई कितनी होगी, 6 और 4 = 10, बराबर होता है x इंटू 3 + x, मतलब 3 + x पूरी की लंबाई। ये आपको अगर नहीं आता तो आप पेपर में इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, आपको घर से ये याद करके जाना पड़ेगा, ठीक है जी। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं तो ये 40 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 3x + x², ठीक है। यहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस क्वेश्चन को आगे ऐसे मत बढ़ाइएगा कभी भी, इसको करिएगा ऑप्शन से। अब फॉर एग्जांपल हमें तो आंसर पता है, इसका आंसर 5 है, तो अब जैसे अगर इसका आंसर कुछ और होता, सपोज करिए ऑप्शन में 5 होता और 4 होता, तो चलिए मैं देखता हूं क्या 4 सही है। मैं अगर 4 को उठाता हूं तो इसका मतलब यहां तो 40 है बराबर, अब यहां मैं ये जो 4 रखूंगा ना ये भी 40 के बराबर ही आना चाहिए, मतलब 4 × 4 = 7, तो 4 × 7 = 28, क्या 28 40 के बराबर है, नहीं है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 5 को, तो यहाँ पे मैं 5, तो 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 8 = 5 × 8 = 40, तो 5 × 8 कितना हो गया दोस्तों, 40, तो अब ये 40 के बराबर आ गया, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि आपको ऑप्शन से उठाने हैं, ना कि उनमें आगे बढ़ना है, उनमें से एक क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए आप 6 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, और आप भी साथ साथ में करिएगा इनको पहले, और जितने सही है या गलत है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2 नंबरों का अनुपात रेशियो कितना है, 3/4 है, दोनों नंबर को 30-30 बढ़ाया गया और फिर उनका अनुपात 9/10 हो जाता है, मतलब 3 और 4 है 2 नंबर का अनुपात, इन दोनों को 30-30 क्या किया गया, बढ़ाया गया, दोनों को 30-30 बढ़ाया गया, और फिर जो रेशियो हो जाता है 9/10 का हो जाता है। तो ये कहता है कि वे दोनों नंबर बताओ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ लोग 3xx मानते हैं, यहाँ कुछ नहीं मानना है। देखिए यहाँ से 3 से कितना बढ़ रहा है, 3 से बढ़ रहा है कितना, 6, यहाँ पे 3 से कितना बढ़ रहा है, 6। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ये दोनों सेम होना चाहिए ऐसी कंडीशन में, अगर नहीं होता तो उसको भी सेम करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है, चलिए वो भी बता देता हूं। इन दोनों का डिफरेंस लेके इनमें गुणा करनी होती है, इन दोनों का डिफरेंस लेके इनमें गुणा करनी होती है, अगर ये बराबर नहीं होता है तो, लेकिन यहां तो ये बराबर है तो ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे 6 बढ़ रहा है वो एक्चुअल में क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 30 बढ़ रहा है, इसका मतलब 6 की यूनिट की जो वैल्यू है दोस्तों क्वेश्चन में 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
पांच आ जाएगी। तो ये नंबर कितना होगा 15 और ये नंबर कितना होगा 20, भाई 5 से गुणा कर दो, 3 यूनिट की वैल्यू और यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू, इसको गुणा कर दो, तो ये इसका आंसर हो गया 15 और 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आसान है, देखिए चीजों को आपको थोड़ा सा फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, टेबल याद करने पड़ेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कैलकुलेशन, ये थोड़ा चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीजें आसान हो जाती है। अब देखिए ये कहता है, अगला क्वेश्चन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है भैया? कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 6,963, ठीक है। अब देखिए रेट कितना है, रेट है 11, टाइम है 2 साल, कंपाउंड इंटरेस्ट है 6,963। अब देखिए दोस्तों, अब ये कहता है कि बस सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ उसी दर पे उसी समय पर, ठीक है। अब देखिए यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, इसको कैसे निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट? देखिए ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका जो रेट होता है उसको आप एक यूनिट में ले आओ तो ये क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। कैसे? अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन हंड्रेड। ये दोस्तों प्रतिशत के लिए है, ये x और y क्या है, परसेंटेज है। इसका मतलब इस तरीके से आप ये जो 11% है ना, जो और ध्यान नहीं, ये 2 साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का अलग तरीका होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे टाइम कितना है 2 साल, ठीक है। अब रेट कितना है 11%, तो मैं क्या करूंगा 11 प्लस 11 प्लस, मतलब 11 गुणा 11 बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 22 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 121 और ये 1.21, इसका मतलब 23.21। ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट अगर चाहिए तो ये एक फिक्स रेट मिल गया, मतलब जो रेट बिखरा पड़ा था ना उसको आपने 2 साल में इतना मिलेगा भैया, ठीक है। तो अब देखिए किसी दाम पर, किसी जो कोई प्रिंसिपल होगा उस पर जो है 23.21 के हिसाब से, इतना रेट के हिसाब से कितना रुपए मिलता है 6,963, ठीक है जी। अब देखिए यहां से ये पॉइंट हटाया तो नीचे 2 जीरो बढ़ गई। अब यहां पे देखिए कितना आसान है, ये कट जाएगा, देखिए अभी बताता हूं एक बात, ये कितने से जाएगा 3 से, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार 30,000 आ गई। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप कॉम्पिटिशन में बैठते हो ना, वहां पर कैलकुलेशन ऐसी आती है कि वो कटेगी, ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए कि इसको भाग ही देते रहो, भाग दे, बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े ही आसान होते हैं और उनमें क्या होता है कि बड़ी ही आसानी से वो कट जाते हैं। तो दोस्तों हमें एक्स मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो क्वेश्चन आसान हो गया। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 30,000 पे कितना 11%, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तो साधारण फॉर्मूला था PRT/100, तो सीधे लगा दो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये कितना हो जाएगा 3 दुनी 6 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 6,600, तो ये ही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि जो स्पीड है, दो ट्रेन है, एक इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 2:5 है, जो इनकी स्पीड का रेशियो है वो 2:5 है, और कहती है क्वेश्चन में कहता है कि जो पहली ट्रेन है ना ये कितना चलती है, ये 350 किलोमीटर चलती है और कितने घंटे लेती है, 5 घंटे लेती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 350 बटे 5, 5 × 7 = 35 और ये कितना आ जाएगा 70। कहने का मतलब जो पहले वाले की स्पीड है वो कितनी है 70 है, मतलब 70 है तो एक यूनिट की वैल्यू 2 से भाग दे दो। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, दोनों का सम पूछा है, फाइंड द सम बोथ ट्रेन, दोनों का मतलब दोनों की स्पीड का जो सम होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे 7 से गुणा कर दो। अब इसको काटो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 6 = 10 और 5 × 7 = 35 = 245, तो 245 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ 6 क्वेश्चन,
दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा इनको, चाहे अगर आप रिपीट कहीं पे नोट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, बहुत फायदा देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उसको भी कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।